नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको चाड़वास गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, जो बेत परिवार के लिए एक पहचान रखता है। बेत परिवार ने अनेक कार्य यहां पर चाड़वास में कराए, लेकिन सबसे बड़ा कार्य जिले का सबसे भव्य भवन गुलाब भवन उन्होंने अपने भाई गुलाब जी की याद में करवाया। पितरजी लूणकर्ण जी महाराज के पुत्र पवन जी और भिकमचंद जी के द्वारा इस भवन का निर्माण किया गया। एक महीने पहले इसका उद्घाटन हुआ और आज यहाँ पर युग प्रधान आचार्य महाश्रम जी महाराज का पावन आगमन हो रहा है। वो यहीं पे प्रवास करेंगे। पूरे चाड़वास में इसको लेकर जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है, श्रद्धा देखने को मिल रही है और बेत परिवार ने मेहमानों के स्वागत में जोरदार तैयारियाँ की है। कुछ ही समय में यहाँ पर आचार्य श्री गाजे बाजे के साथ पधारने वाले हैं। आइए चाड़वास से गुलाब भवन से इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। आचार्य श्री छापे की तरफ प्रस्थान करें। चाड़वास के दिव्य गुलाब भवन का दृश्य आप देख रहे हैं। श्री भिकमचंद जी, पवन कुमार जी, बेत परिवार द्वारा निर्मित भव्य गेस्ट हाउस और हनुमान जी के मंदिर में आज युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी महाराज का पावन आगमन हो रहा है और ये यहीं पे प्रवास करेंगे। कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले, गाजे बाजे के साथ पूज्य श्री का यहाँ पर स्वागत होने वाला है। चूरू जिले के सबसे खूबसूरत भवन में से एक है, जहाँ पर 40 एयर कंडीशन कमरे हैं और 1000 की क्षमता वाला हॉल है और अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। राज युग प्रधान आचार्य महाश्रम जी महाराज का पावन आगमन हो रहा है। बेत परिवार चाड़वास द्वारा भव्य तैयारियां की गई हैं। बेत अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। सभी पूज्य श्री का इंतजार कर रहे हैं आने का। भोजनालय का दृश्य आप देख रहे हैं। पितर जी लूणकर्ण जी का परिवार सबके स्वागत में तत्पर है। आज पर मेगा स्क्रीन लगाए गए हैं, जहाँ से सैकड़ों लोग पूज्य श्री के प्रवचनों को सुनेंगे। यहाँ पर बिग स्क्रीन लगाया गया है। ये गुलाब चंद जी के बड़े भाई आदरणीय भिकम चंद जी बेद सभी का स्वागत कर रहे हैं द्वार पर। उद्घाटन के कुछ ही दिनों में ही पूज्य श्री का आगमन, आचार्य श्री का आगमन बेद परिवार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के परिवार हैं पितरजी लूणकर्ण जी का परिवार। गुलाबचंद जी के छोटे भाई पवन जी बेद बहुत ही श्रद्धान्वित हैं धर्म संघ के प्रति, पितरजी और बालाजी के प्रति, और आज के कार्यक्रम में भव्य तैयारियां की गई आपके द्वारा। स्वागत भी अतिथिगण आए हैं, उन सब के लिए बहुत सुंदर रहने की, ठहरने की, खाने की व्यवस्था की गई है। जिस मार्ग से महाराज से आएंगे उस रास्ते को देखिए कितना सुंदर सजाया गया है और गाजे बाजे के साथ आप देख रहे हैं जुलूस आ रहा है। सुंदर भव्य नजारा आप देख रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री का आगमन चाड़वास में। बेत परिवार के सदस्य आप देख रहे हैं साथ में चलते हुए। ये देखिए कुसुम जी, तेरा पंती महिला मंडल चाड़वास आप देख रहे हैं। जयकारे करते हुए आप देख रहे हैं, जहां पर पूज्य आचार्य श्री युग प्रधान पधार चुके हैं और भव्य नजर आप देख रहे हैं। तेरा पंती महिला मंडल, योग परिषद सभी उत्साह के साथ चल रहे हैं और आप पीछे आप देख रहे हैं गाजे बाजे के साथ बैंडों की धुनों पर भक्त झूमते हुए, उत्साह मनाते हुए, खुशी मनाते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि आचार्य महाश्रवण जी महाराज का पदार्पण चाड़वास की पावन भूमि पे हो चुका है। चाड़वास सरपंच महोदय भी आप देख रहे हैं जो इस पे साथ चल रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं चाड़वास। ये देखिए पूज्य आचार्य श्री का चाड़वास आगमन। चाड़वास का दृश्य आप देख रहे हैं, युग प्रधान आचार्य महाश्रम जी महाराज का पावन आगमन चाड़वास की धरा पर।
वाह सुंदर नजारा देखिए चाड़वास का। भारी भीड़ आप देख रहे हैं, आचार्य श्री महाश्रम जी के साथ चाड़वास में पहुंची है। युग प्रधान आचार्य महाश्रम जी का पवन आगमन चाड़वास में हुआ है और बहुत ही विराट जुलूस आप देख रहे हैं, हजारों लोग साथ चलते हुए। ये देखिए सामूहिक नजारा, चाड़वास गांव का नजर आप देख रहे हैं, फागुन के रंग आचार्य महाश्रवण जी के संग। हर घर के बाहर दर्शन के लिए व्याकुल भक्त खड़े हैं आचार्य श्री के लिए। दूर से ना सुन रहे से। चलो आगे चलो। चलो आगे से पुटिया राज आप देख रहे हैं जुलूस में सभी का स्वागत करते हुए। आप देख रहे हैं किस श्रद्धा के साथ सभी गुरुदेव का इंतजार कर रहे हैं। गुरुदेव के आगमन में सभी ने परख पाड़ी विचार रखे हैं। यहाँ पर साध्वी प्रमुखा कनक प्रभाजी का प्रवास है, यहाँ पर गुरुदेव पधारने वाले हैं। और गुरुदेव आने वाले हैं इस जहाँ साध्वी प्रमुख है वहाँ पर गुरुदेव पधार रहे हैं। ये देखें साध्वी प्रमुख जी नमन करते हुए। देखिए गुरुदेव पधार रहे हैं। नीचे
समिति के द्वारा स्वागत हो रहा है यहाँ पर। आचार्य श्री महाश्रमण जी का दो दिवसीय प्रवास सुजानगढ़ में रहा। जब वो सुजानगढ़ में प्रवेश कर रहे थे मंगल प्रविश्वा, तो एक छोटी सी गाड़ी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जुलूस जब निकलता है तो सबसे आगे जो गाड़ी चलती है, जिसमें जिस श्वेतांबर 13 पंथ के ध्वज लगे होते हैं, वो निश्चित रूप से सबको आकर्षित करती है। चाड़वास में भी जुलूस में सबसे आगे गाड़ी चल रही है, और इसकी जो पायलट है, जो ड्राइवर, उनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम आपका? पार्क डागा। डागा, मैं क्या कहना चाहेंगी, कितना प्राउड हो रहा है क्योंकि आचार्य श्री के जुलूस में आप अगुवाई कर रही है, नेतृत्व कर रही है। और कुछ तो कहने की जरूरत ही नहीं है, जब आपने कह दिया कि यही आकर्षण का केंद्र है। जी नहीं, आपकी फीलिंग कितनी, प्राउड कितना हो रहा है, खुशी कितनी हो रही है कि आप सबसे आगे चल रहे हैं जुलूस में? आगे चलने की खुशी अपनी जगह है, और इसकी कार की खुशी अपनी जगह, बाकी गुरुदेव का जुलूस है, खुशियाँ ही खुशियाँ है। बिल्कुल, हमारे भगवान आए हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कितनी अच्छी भावना है कि हमारे भगवान आए हैं, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। और निश्चित रूप से ये गाड़ी सबको आकर्षित भी कर रही है, क्योंकि जुलूस में आगे चल रही है, हर कोई इस गाड़ी को देख रहा है और इस पर बैठकर सेल्फी भी ले रहे हैं लोग। चाड़वा सभा अध्यक्ष जुगराज जी भंडारी, आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में अब सवार हुए हैं। गुलाब भवन में पूजा आचार्य महाश्रमण जी का आगमन होने वाला है, और आप देख रहे हैं स्वागत समिति के सभी पास में आचार्य महाश्रमण जी का मंगल प्रवेश हो चुका है, और आयोजन समिति के तमाम सदस्य आप देख रहे हैं वेद परिवार के साथ स्वागत के लिए आतुर हैं। एक सपना पूरा हुआ है, वर्षों बाद चाड़वास में पूजा आचार्य श्री का आगमन हो रहा है, और हर चेहरे पर आप देख रहे हैं खुशी साफ झलक रही है। आदरणीय विक्रमचंद जी वेद और पवन जी वेद के लिए व्याकुल आँखें आप देख रहे हैं वेद परिवार की। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के दोनों भाई, पिताजी लूकन जी के पुत्र हैं और गुलाब जी के भाई। धारण कर ली है पवन जी ने और विक्रम चंद जी। देखिए सभी कतार में खड़े हैं दर्शन के लिए। दर्शन के लिए व्याकुल आंखें सभी की आप देख रहे हैं। गुलाब भवन का ये नज़र आप देख रहे हैं अब, जहाँ पर युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी पधारने ही वाले हैं, और जिस रास्ते से वो निकले उस रास्ते पर देखिए किस तरह से सभी ने पलक पावड़े बिछा रखे हैं। अड़वास के गुलाब भवन का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर युग प्रधान पूज्य आचार्य महाश्रमण जी पधार चुके हैं और अंदर प्रवेश करने वाले हैं। शंखनाद किया जा रहा है, ये देखिए शंखनाद हो रहा है। पुत्र जी के मंदिर बालाजी के मंदिर में पहुंचेंगे, जहां पर विक्रम चंद जी वेद स्वागत के लिए खड़े हैं। अपने पूज्य पिताजी की याद में भव्य मंदिर का निर्माण, बालाजी मंदिर का निर्माण हाल ही में करवाया है, साथ में वेद भवन का भी। सबसे पहले मंदिर में पधार रहे हैं पूज्य श्री, और पवन जी देखिए नमन करते हुए। पितर जी महाराज के मंदिर में पधार रहे हैं। गुलाब चंद जी, पवन जी, विक्रम चंद जी के पिताजी के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। देखिए श्रद्धा, देखिए भक्तों की, देखिए जयकारों से गूंज उठा है सब। ये भव्य नज़ारा देखिए आप, किस कदर से भीड़ उमड़ी है, और अब गुलाब भवन में पदार्पण हो रहा है पूज्य आचार्य महाश्रमण जी महाराज का।
गुलाब भवन में प्रवेश हो रहा है। पूज्य आचार्य श्री आसीन हो चुके हैं मंच पर, परिवार द्वारा भव्य स्वागत हुआ आचार्य मास्टर मंजी महाराज का। गुलाब भवन में अब विराजमान हो चुके हैं पूज्य आचार्य से। निश्चित रूप से भाग्यशाली है वेद परिवार, अभी लगभग एक महीने पहले ही भवन का उद्घाटन हुआ है और आचार्य श्री के पावन चरण भवन में पधारे हैं। ये चाड़वास के लिए गौरव की बात है और वेद परिवार के लिए भी। वेद परिवार द्वारा निर्मित गुलाब भवन में आज पूज्य गुरुदेव के आने से निश्चित रूप से स्वर्गीय गुलाबचंद जी वेद की आत्मा बहुत ही प्रसन्न है। अभी जी खुद आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। स्वर्गीय गुलाबचंद जी वेद के निरपति जी और परिजन आप देख रहे हैं बहुत ही प्रसन्न हैं। आज पूज्य गुरुदेव का आगमन भवन में हुआ है तो सभी की खुशी की सीमा नहीं है और आज स्वर्गीय गुलाबचंद जी वेद की आत्मा भी बहुत प्रसन्न है जब भवन में। प्रातः स्मरणीय महातपस्वी करुणा अवतार शासन श्रृंगार तेरापन धर्म संकेत सरताज युग प्रधान आचार्य श्री महाशर्मन जी के चरणों में श्रद्धा भरा नमन। पौरुष की प्रतिमा तुलसी युग की करुणा महाशर्मन युग की शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के चरणों में सहभक्ति वंदना। आदरणीय मुख्य मुनि जी, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी एवं समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में मेरा मथेन बंदामी। भिन्न भिन्न सभाओं के पदाधिकारी गण, बाहर से आए हुए अतिथिगण एवं उपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविका समाज से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी का मैं चाड़वास जैन सितंबर 13 पंथी सभा की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे अध्यात्म के महासुमेरु तीर्थंकर के प्रखर प्रतिनिधि युग प्रधान आचार्य परवर का चाड़वास की धरा पर स्वागत अभिनंदन करते हुए सात्विक गौरव की प्रसन्नता हो रही है। गुरुदेव, चाड़वास की धरती पर आपका पदार्पण हम सबके लिए आध्यात्मिक उत्थान का साधन बनेगा ऐसी आशा है। जहाँ जहाँ आप श्री के चरण पढ़ते हैं और आपकी सुधा सरसाती वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है वहाँ धर्म के प्रति अनुराग में कई गुणा वृद्धि हो जाती है। प्रभु, इस छोटे से क्षेत्र पर आप श्री और पूर्ववर्ती आचार्यों की विशेष कृपा रही है। गुरुदेव, आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने कृपा करके अपने आचार्य काल का प्रथम मर्यादा महोत्सव यहीं किया था। आप श्री के और सकल साधु साध्वी समाज के आवागमन से चाड़वास की धरा पर जो मंजर खिला है इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। आभारी इस बात के लिए भी है कि आपने हमारी गांव की साध्वियां श्री सुरेखा जी, मनीषा श्री जी, नय श्री जी एवं विवेक श्री जी को भी इस यात्रा में सम्मिलित किया है। गुरुदेव, हमें इस बात की और भी खुशी है कि चाड़वास की इस तपोभूमि से ही आपके कदम कल सुबह 13 पंथ के पंचम पटधर की जन्मभूमि बिदासर के लिए अग्रसर होंगे। बृहद मर्यादा महोत्सव के लिए आपका पदार्पण व प्रवास शुभ हो, मंगलमय हो, इसी भावना के साथ एक बार पुनः पूरे श्रावक समाज की ओर से श्रद्धा भरा नमन। ओम अरहम। अब ये पूज्य प्रवर का यहाँ पर गुलाब भवन में प्रवास हो रहा है तो स्वागत के लिए श्री बिकम चंद जी वेद अपनी भावनाओं को एकदम संक्षेप में प्रस्तुति देंगे। इसके बाद 13 पंथ महिला मंडल वह तैयारी रखेंगे। ज्योति चरण ज्योतिपुंज युग प्रधान आचार्य श्री के श्री चरणों में सादर सह भक्ति वंदना। मातृ हृदय शासन माता साधु श्री कनक प्रभा जी के चरणों में भावभरी वंदना। सभी चरित्र आत्माओं के भी चरणों में वंदना। उपस्थित सभी अतिथिजनों को सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, आज आपने हमारे गुलाब भवन में पधार कर जो करुणा बरसाई है हमारा वेद परिवार अनंत काल तक आपका आभारी रहेगा। बनते ये गुलाब भवन जिसकी समृद्धि में बना है आज वह सह शरीर हमारे बीच नहीं है परंतु
उनकी भावना आज साकार हो रही है। मैं इस शुभ अवसर पर पुण्य आत्मा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हे कृपा निधान, आज हमारे परिवार को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आपके प्रेरणा माते से हम धर्म संघ में अपनी सेवाएं दे सके, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। हम आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपने हमें सेवा का मौका प्रदान किया। हे करुणानिधि, हम वेद परिवार आपके श्री चरणों में ये अर्ज करते हैं कि दिनांक 18 फरवरी का भी स्वतंत्र सेवा का अवसर हमें प्रदान करें। मैं संपूर्ण तेरापन समाज के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि जिसके अथक प्रयासों से हमें आज आप श्री की सेवा का अवसर प्रदान हुआ। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरम। तेरापंत महिला मंडल चाड़वास स्वागत गीत की प्रस्तुति, उसके बाद में हम परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन सुन सकेंगे और शेष कार्यक्रम फिर प्रवचन के बाद में संभव हुआ तो हो सकेगा। लोग ध्यान दें, अंदर कोई नहीं रहेगा, इस हॉल में कोई नहीं रहेगा, इस हॉल में कार्यकर्ता ध्यान दे दें, अंदर कोई नहीं रहे। हाँ, तेरापन महिला मंडल गीत की प्रस्तुति, केवल गीत। हाँ, बड़ 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 के ओ तेजस्वी
अमृत देशना के लिए निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। अब ओम ह्री नमो सिद्धान ओम ह्री नमो आयरियानम ओम ह्री नमो उबध्यायानम ओम ह्री नमो लोए शब्दसाहूणम ओम ह्री नमो अरहंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानं ओम ह्रीं नमो आयरियानं ओम ह्रीं नमो उबध्यायानं ओम ह्रीं नमो लोए शब्दसाहूणम चे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के पन्नगे चै सुरेंद्र चै कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है नानस्य सबस्य पगासनाय अन्नान मोहस्य विवज्जनाए रागस्य दोषस्य संख एणम एगंत सुखम समुवे इमुखम। शास्त्रकार ने बताया है कि एकांत सुख वाला स्थान जो मोक्ष होता है वह प्राप्त कैसे होता है इस बारे में बताया है। पहली बात बताई कि सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाए, संपूर्ण ज्ञान आत्मा में प्रकट हो जाए, यानी केवल ज्ञान हो जाए और अज्ञान मिट जाए। संपूर्ण ज्ञान तब होगा जब अज्ञान मोह का वर्जन होगा, अज्ञान मोह दूर होंगे तब संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। और अज्ञान मोह दूर तभी होंगे जब राग और द्वेष का क्षय होगा। राग द्वेष मिट जाएंगे तब अज्ञान मोह फिर नहीं रहेंगे, और अज्ञान मोह नहीं रहेंगे तो केवल ज्ञान प्रकट हो ही जाएगा। ज्ञान का बहुत महत्व होता है। एक सामान्य ज्ञान जो पुस्तक आदि पढ़ने से हो जाता है वह कुंड के पानी की तरह होता है। ज्ञान के दो प्रकार हैं, एक कुंड के पानी की तरह है और दूसरा कुएं के पानी की तरह है। कुंड में जितना पानी गया, नाले से गया, डाला गया, करीब उतना पानी वापिस बाहर निकाला जा सकता है, मिल सकता है, यानी बाहर से रखा जाता है भीतर में वो पानी वापिस बाहर निकाला जा सकता है। परंतु कुएं का पानी कुएं में डालने की बात नहीं, वो भीतर के स्रोत से पानी आता है। केवल ज्ञान
ऐसा ज्ञान है जो भीतर के स्रोत से मानो उभरता है, आत्मोत्थ आत्मा से उठने वाला, प्रकट होने वाला वह ज्ञान होता है। पुस्तक आदि से जो ग्रहण करते हैं मतिश्रुत ज्ञान होता है, वह मानो बाहर से भीतर डाला जाने वाला ज्ञान होता है। तो केवल ज्ञान तो कभी जब चारों घात्य कर्म नष्ट होते हैं तब हो सकता है, बाकी यह मतिश्रुत ज्ञान है वो हम अपने इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान का महत्व है, भले पुस्तकों से पढ़ें, गुरु से पढ़ें, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करें, ज्ञान का अपना महत्व है। ज्ञान अच्छा है पर साथ में राग द्वेष क्षीण हो तब संपूर्ण ज्ञान भीतर का ज्ञान हो सकेगा। राग द्वेष जब तक नहीं मिटेंगे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं ही हो सकेगी। राग और द्वेष हमारे भीतर में हैं, इन्हीं से आदमी दुख को प्राप्त होता है। राग द्वेष न रहें तो मानो दुख का मूल खत्म हो गया है। एक गांव में एक कुआ खुदवाया गया तो गांव के सरपंच आदि लोग मिले और निर्णय किया कि हम कुएं का लोकार्पण समारोह कार्यक्रम रखेंगे। जैसे पुस्तकों का लोकार्पण होता है, हम कुएं का भी लोकार्पण करेंगे। हमारे गांव के लिए बहुत अच्छी बात है, पानी की समस्या का समाधान हुआ है। तो सोचा कि लोकार्पण में किसको बुलाएं, खास नेता बड़े आदमी को किसको बुलाएं। बात करते करते यह निष्कर्ष निकला कि हमारे पास में ही सन्यासियों का आश्रम है तो मुखिया बाबा जी पधार जाएं तो बहुत बढ़िया, वरना उनके कोई शिष्य पधार जाएं तो उनका प्रवचन भी कराएंगे गांव में, उसके साथ ही हमारा यह लोकार्पण का उपक्रम भी हो जाएगा। तो कुछ कार्यकर्ता संतों के आश्रम में गए, मुखिया जो थे सन्यासी जी उनसे कहा कि हमारे प्रोग्राम है परसों रखा है तो आप पधारो तो बहुत बढ़िया हो। तो मुखिया बाबा जी ने कहा मैं खुद ही आने का मेरा विचार है, बहुत खुशी की बात है, आप खुद पधार जाएंगे। तो जब परसों जब वो प्रोग्राम होना था तो बाबा जी अपने शिष्यों के साथ वहां पधार गए और मंच पर आसीन भी हो गए। बाबा जी बैठे तो लगा कुछ बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। तो बाबा जी ने कार्यकर्ताओं से कहा ये बदबू इतनी आ रही है या लोग कैसे बैठ पाएंगे, कैसे प्रोग्राम बढ़िया होगा आपका, इतनी बदबू आ रही है। तो कार्यकर्ता बोले बाबा जी बात तो आपकी सही है, हमें भी बदबू आ रही है, पर बदबू कहाँ से आ रही है यह पता नहीं चल रहा है, कैसे मिटाएं, उपाय क्या करें। बाबा जी ने कहा भी बदबू तो आसपास में कहीं है कोई कारण तभी आ रही है, भी हमको कारण नहीं मिला कहाँ क्या नहीं, यहाँ अकुलडी है साफ सफाई ठीक है, बदबू का स्रोत क्या पता नहीं चला है। तो बाबा जी उठे, इधर उधर देखा, फिर पास में कुआ था, बाबा जी ने कुएं में झांका तो देखा दो मरे हुए कुत्ते कुएं में पड़े थे। रात को वे कुत्ते लड़ते लड़ते आए, अंधेरा था और कुएं में गिर गए थे, मर गए थे, उनके शरीर से सड़ान आ रही थी। बाबा जी बोले देखो यह स्रोत है, जो पानी का भी स्रोत है कुआ, बदबू का भी साथ में अभी स्रोत है।
कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था की, उन मरे हुए कुत्तों को निकाला गया, दूर कहीं डाला गया। अब बदबू आनी बंद हो गई। बाबा जी का प्रवचन हुआ तो बाबा जी ने प्रवचन में कहा कि देखो, दो कुत्ते कुएं में मरे हुए जो पड़े थे, उनसे बदबू आ रही थी, उनको निकाल कर दूर कर दिया गया, अब बदबू नहीं आ रही है। इसी प्रकार हमारे चेतना रूपी कुएं में राग और द्वेष के ये दो मरे हुए कुत्ते जब तक रहते हैं, तब तक दुख की बदबू, दुख का एहसास होता रह सकता है। ये राग द्वेष के कुत्ते निकल जाएं, फिर वे दुख की बदबू भी समाप्त हो सकती है। तो अध्यात्म की साधना में राग और द्वेष को जीतना, यह महत्वपूर्ण और मुख्य बात होती है। ज्ञान प्राप्ति करना अच्छा है, ज्ञान के साथ जीवन में यह समता भाव, शांति का भाव, राग द्वेष की अल्पता का भाव या क्षय का भाव भी जागे, संस्कार जीवन में अच्छे रहें। संस्कारों की सुगंध आती रहे। संस्कार अच्छे होते हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये तत्व जीवन में होते हैं तो संस्कार अच्छे हो सकते हैं और जीवन में सुख शांति की सौरभ सुगंध भी प्रस्फुटित हो सकती है। आज मैं चाड़वास आया हूँ और चाड़वास की स्मृति हो रही है परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का आचार्य काल का स्वतंत्र मर्यादा महोत्सव, पहला मर्यादा महोत्सव जो स्वतंत्र रूप में हुआ था वह चाड़वास में, और यहीं संभवतः आसपास के परिपार्श्व में ही पंडाल था, प्रोग्राम हुआ था मर्यादा महोत्सव का। और खास बात यह है, गुरुदेव तुलसी भी बहुत दूर नहीं थे, जैन विश्व भारती लाडनू में विराजमान थे और आचार्य महाप्रज्ञ जी चाड़वास में पधारे थे और दोपहर के समय उन्होंने प्रवेश किया था। दो छापर से चाड़वास पधारे थे, दोपहर में प्रवेश हुआ था। पता नहीं आज मेरा प्रवेश भी दोपहर में ही हुआ है, मानो आचार्य महाप्रज्ञ जी का मानो अनुकरण सहज रूप में हो गया कि वे दोपहर में चाड़वास में पधारे थे, तो मैं भी आज दोपहर में अपराह्न में चाड़वास में आया हूँ। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का मर्यादा महोत्सव यहाँ हुआ था और गुरुदेव तुलसी के संदेश भी लेकर साध्वी जी आई थी यहाँ पर चाड़वास में, लाडनू से आई थी। तो वो एक अपने ढंग का मर्यादा महोत्सव था जो आचार्य महाप्रज्ञ जी का गुरुदेव से बहुत दूरी न होने पर भी एक स्वतंत्र अलग रूप में यहाँ मर्यादा महोत्सव हुआ था। दूसरी मेरी बात चाड़वास के संदर्भ में, यहाँ के एक मुनि प्रवर वो मुझे स्मृति में आ गए, चाड़वास आना हुआ है वो स्मृति में आ गए। मुनिश्री सोहन लाल जी स्वामी जो चाड़वास से होते थे और मुझे जहाँ तक ज्ञात है उनकी दीक्षा हुई थी तो परम पूज्य कालूगणी ने एक दिन में दो दीक्षा समारोह किए थे, एक दिन में दो दीक्षा समारोह किए थे जहाँ तक मुझे स्मृति हो रही है, ज्ञात हो रहा है कि पहली दीक्षा तो छापर में दिलाई, छापर में मुनि श्री दशकर्ण जी स्वामी को उनकी दीक्षा हुई, उसके बाद चाड़वास पधारे, चाड़वास में मुनि श्री सोहनलाल जी की दीक्षा चाड़वास में हुई, एक ही दिन में दो दीक्षा समारोह हुए थे, ऐसी मुझे बात याद आ रही है।
तो मुनिश्री सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास वाले वे मंत्री मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू के यो कजिन रूप में बड़े भाई हुआ करते थे। और मेरा सोहनलाल जी स्वामी से संपर्क रहा था। मैं जब बच्चा था तो उनका चतुर्मास सुमेरमल जी स्वामी लाडनू के साथ सरदार शहर में हुआ था और मैं सोहनलाल जी स्वामी के संपर्क में ज़्यादा रहता था और मुनिश्री ने मुझको तत्वज्ञान सिखाया था। ये कई थोकड़े मैंने उनके पास याद किए थे, पाना की चर्चा, तेरा द्वार, लघु दंडक, गतागत, बावन बोल, बासठियार, अल्पा बोध, कुष्कर्म प्रकृति, ऐसे कई ऐसे ये थोकड़े संभवतः मैंने उनके देखरेख में उनके मानव सान्निध्य में याद किए थे। और एक गमा का थोकड़ा जो थोड़ा एक विशेष थोकड़ा है, वो कुछ वे मुझे सुनाया करते थे। उनके पास पन्ने थे, ये पन्ने तुम हाथ में रखो, मेरे थोकड़ा सुन लो। ये मुनिश्री सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास, उन्होंने मुझे तत्वज्ञान सिखाया और साथ में जैन धर्म में तेरा पंथ, श्वेतांबर तेरा पंथ की दान दया की जो मान्यता है वो उन्होंने मुझे बताई थी। और मुझे याद आ रहा है एक सिस्टेमेटिक ढंग से सिस्टम के साथ मुझे ये तेरा पंथ की दान दया का सिद्धांत उन्होंने मुझे बताया था। और मैंने जब मुनि दीक्षा ले ली थी मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू से, तो उसके बाद भी मैं सोहनलाल जी स्वामी के पास रहता, उनके संपर्क में रहता था। और बहुत एक वो कलाकार संत थे सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास, बहुत उच्च कोटि के कलाकार मुनि थे और बड़े अच्छे मुझे लगे, भद्र, एक बहुत सरल भद्र और स्वाध्यायशील, स्वाध्याय भी किया करते थे। तो उनके गांव में आज आया हूँ तो मैं एक मेरे उपकारी संत हैं मुनिश्री सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास, उनको भी मैं बड़ी एक सम्मान की भावना के साथ याद करता हूँ कि उन्होंने मेरे पर उपकार किया, मुझे ज्ञान, तत्वज्ञान। फिर कुछ आगम दसवें आलियम जैसे ये इनके याद करने में, एक स्मरण करने में इनका, उनका मेरे पर उपकार रहा। और तेरा पंथ की दान दया उन्होंने मुझे बताई, समझाने का प्रयास किया। तो चाड़वास बहुत बड़ा गांव नहीं है, परंतु हमारे धर्म संघ का श्रद्धालु क्षेत्रों में छापर से बहुत निकट है। हमारा अगला चतुर्मास छापर के लिए घोषित है और सन 2022 के लिए घोषित चतुर्मास के क्षेत्र का पड़ोसी क्षेत्र है चाड़वास। भले दिन में दो बार भले आओ जाओ, सुबह आओ जाओ, शाम को फिर दिन में दो बार भी आया जाया जा सकता है। कोई चाहे तो चाड़वास आकर गोचरी करके वापिस छापर भी आ सकता है, ऐसा इतना निकट है चाड़वास। तो यहाँ चाड़वास में यहाँ हमारे कितने चारित्र आत्माएं चाड़वास में प्रवासित हुए हैं, रहे हैं, कितने वृद्ध संत भी चाड़वास में संभवतः रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र में आज आना हुआ है और चाड़वास की जनता में भी सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये संस्कार सभी समाजों में पुष्ट रहें। आज भी मैंने देखा कितने लोग जैन अजैन कितने हमारे सामने थे, आए थे, और ग्रामीण गांव के लोग, समाज के तेरापन समाज के तो हैं, और भी लोग दिखाई दे रहे थे। तो पूरे समाजों में अच्छे संस्कार रहें और चाड़वास के तेरापंथ समाज के लोगों में भी धार्मिक साधना, सामायिक आदि आदि के क्रम भी चलते रहें। शनिवार की शाम 7 से 8 बजे के बीच होने वाली जो सामायिक का क्रम है वो भी जितना संभव हो सके चलता रहे। बच्चों में जितना संभव हो सके ज्ञानशाला का उपक्रम भी चलता रहे। तो गुरुदेव तुलसी के
भी चाणवास पधारे थे आचार्य महाप्रज्ञ जी, तो अनेक बार चाणवास आना हुआ है, आज भी हमारा आना हुआ है। तो यह जो ज्ञान की बात है, राग द्वेष मुक्ति की बात है, ये अध्यात्म की साधना के तत्व हैं कि ज्ञान प्रकाशित हो, राग द्वेष का क्षय हो, तो आदमी एकांत सुख वाले मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। दानं सिद्धं अभयपयाणं सच्चेसुया अणवज्जं वयन्ति तवेसुया उत्तम बंभचेरं लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। चाणवास के इतिहास को, अपने उपकारी को पूज्य प्रवर ने किस रूप में प्रस्तुत किया, हमने तेलंगाना में भी पूज्य प्रवर से मुनि श्री सोहनलाल जी स्वामी के बारे में जाना था, और आज फिर हम उनके ही गांव में पूज्य प्रवर के द्वारा जान पाए हैं। और पूज्य प्रवर ने फरमाया कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी दोपहर में पधारे थे, तो आचार्य प्रवर भी दोपहर में पधारे हैं। साथ में आज के दिन का और महत्व है कि आज का दिन तारीख की दृष्टि से सब दो ही दो है, दो तारीख दूसरा महीना दो दो दो, एक जीरो आता है और कोई अंक नहीं आता है, तो इसलिए 2 बजे से पहले तो आपका चाणवास कैसे पधारना हो सकता था, इसलिए आपका 2 बजे के बाद में पधारना एक दो और जुड़ जाता है। तो इन सब को लेकर के हम आज इस चाणवास में पूज्य प्रवर के मंगल प्रवचन को सुना है। अब आप लोग कुछ प्रस्तुतियों को दे सकेंगे, बहादुर जी सेठिया 2 पद्यों की प्रस्तुति करें, ज़्यादा समय नहीं लगाएं, उसके बाद में यहाँ के स्वागताध्यक्ष संयोजक व्यवस्था समिति के संजय जी बच्छावत। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे ओ महाश्रमण, देते हो सभी को तुम मुस्कान, देते हो सभी को तुम मुस्कान, देते हो सभी को तुम मुस्कान, बरसाते हो अमृत पान ओ महाश्रमण। अभिनंदन करता है चाणवास, अभिनंदन करता है चाणवास, स्वीकारो हमारा नमन ओ महाश्रमण। मुनि सुमेर से पाई दीक्षा, सोहन से पाई शिक्षा, मुनि सुमेर से पाई दीक्षा, सोहन से पाई शिक्षा, तुलसी प्रज्ञ ने परखा तुमको, सात रही शासन माता, महातपस्वी महायशस्वी, महातपस्वी महायशस्वी, झूमर ने मानंदन ओ महाश्रमण। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे ओ महाश्रमण, एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है, एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है, देख के तेरा आभा मंडल चरणों में झुक जाता है, मोहन से बने मुदित मुनि, मोहन से बने मुदित मुनि, मुदित से बने महाश्रमण बंदे गुरुवरम। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे ओ महाश्रमण। अब अपनी भावनाओं की प्रस्तुति
यहाँ के संयोजक व्यवस्था समिति के संजय जी बच्छावर, फिर विक्रम चंद जी ने विक्रम भंडारी तैयार रहे। गणपति के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, पावन श्रद्धा में आज हम शुभ दीप जलाते हैं, हाथ में फूल सर्वदा के भाव पढ़ने महातपस्वी ज्योति पूंजी आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में हम चाड़वासवासी का भाव भरा मंगल बंदन। वंदे गुरुवरम गुरुदेव, चाड़वास की धरा धन्य हो गई है, आपके पावन चरणों स्पर्श में गुलाब भवन का प्रांगण तीर्थ स्थल बन गया है। आज के दिन चाड़वास के लिए सोने का सूरज लेके उदित हुआ है। आज आध्यात्मिक जगत के माँ सूर्य आचार्य महासमण जी अपने श्वेत धवल किरणों के साथ यहाँ पधारे हैं। इस अवसर पर हम सभी चाड़वासवासी आचार्य महासमण की याद आ रही है, जिन्हें 133वां मर्यादा महोत्सव करके हमारे इस छोटे से गांव को इतिहास के पत्तों में अमर कर दिए है। आचार्य पर इस बार प्रवास बहुत छोटा है, आधा दिन का हमको, फिर भी हम इसको पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। एक घड़ी आधी से पुनी आधी करीब संगत साधु की हर कोटि अपराध, साधु सुरेशा जी, साधु विवेक श्री जी, साधु मनीषा श्री जी, साधु जय श्री जी एवं गौरव का अनुभव होता है कि चारों साधुया चाड़वास की है और हमारा क्षेत्र अनेक श्रावकों धर्म संघ के ऊंचे पद पर सेवा दे, जिनमें प्रमुख सुरेंद्र जी चोलिया महासभा के अध्यक्ष, 4 बार जैन विश्व भारती के, 6 बार वर्तमान में जैन विश्व भारती के अध्यक्ष मनोज जी लूनिया एम पन्नालाल जी बेद जो दिल्ली में मास रहे हुए। हम एक बार पुण्य गुरुदेव से एम साधु वृंदों से चरणों से वंदन करते हुए अपनी वाणी को ये विराम देते हैं। गुरुवर मेरी एक छोटी सी अर्ज है, मैं पहले बार स्टेज पे आया हूँ, एक में हमको छोटा सा एक मर्यादा महोत्सव और चाहिए हमको, एक छोटा सा मर्यादा 133वां मर्यादा महोत्सव हम लोग किया, हमको एक हम लोग ग्रामवासियों को एक छोटा सा मर्यादा महोत्सव और फरमाइए आप। कट न सके तो कर सके, गुरु करे सब हाय, साथ दिया है नौखंड में गुरुवर बड़ा नेक काम। ओम नमः कालुगनी गुरु महाराज चौक में 11-21 रात बिराजे है बाप जी, चौथ मंदिर सागर मंदिर उत्सव को पोतो तेरापंथ युवा परिषद चाड़वास के श्री विक्रम जी भंडारी, फिर पन्नालाल जी बेद तैयार है। पल पल मानवता के उद्धार हेतु, पल पल मानवता के उद्धार हेतु, पग पग गतिमान, नमन वंदन मेरे महाश्रमण भगवान, नमन वंदन मेरे महाश्रमण भगवान। बंदे बड़ा ही मन मोहित करने वाला ये पावन प्रवास, गुरुवर आपने जो चाड़वास वासियों को बख्शाया है उस हेतु सर्वप्रथम पूरा चाड़वास श्रावक समाज व विशेषकर युवा शक्ति का प्रतीक चाड़वास युवक परिषद आप श्री के प्रति हार्दिक कृतार्थ के भाव अर्पित करते हुए आप श्री का आध्यात्मिक अभिनंदन कर रहा हूँ। गुरुवर आप श्री के दर्शन मात्र से ही लोग कृतार्थ हो जाते हैं, तो आपकी सेवा उपासना करने का अवसर मिलने से तो न जाने कितने पुण्य की कमाई हो जाती है। गुरुवर आप श्री आज पूरी धवल सेना व अहिंसा यात्रा संघ चाड़वास गांव पधारे तो मानो चाड़वास गांव का कोना कोना आनंदित हो गया। गुरुवर आप श्री के आशीर्वाद से तेरापंथ युवक परिषद चाड़वास अपने उद्देश्यों के साथ सदैव कार्यरत है। आप श्री के आशीर्वाद से चाड़वास युवक परिषद का हर कार्यकर्ता धर्म संघ की सेवा में तत्पर है। गुरुवर आपकी अनुकंपा सदैव यूं ही हम सब पर युवकों पे बनी रहे। गुरुवर आप श्री के आगे की यात्रा और धर्म प्रभावना के सारे कार्यक्रमों के प्रति हम मंगल कामनाएं करते हैं और निवेदन करते हैं, गुरुवर चाड़वास को और भी बड़ा प्रवास फरमाएं। गुरुवर पुनः आप श्री व संघ के प्रति समर्पित तेरापंथ युवक परिषद चाड़वास आप श्री के चरणों में वंदन और अंत में एक निवेदन, चाड़वास कर चढ़ना में निवेदन बार बार, चाड़वास कर चढ़ना में निवेदन बार बार, चौमासो बख्शा दो थे अब की बार, चौमासो बख्शा दो प्रभु थे अब की बार। महाप्रज्ञा जी करियो मर्यादा महोत्सव, महाप्रज्ञा जी करियो मर्यादा महोत्सव, आप दिरा दो चौमासे रो उत्सव, आप दिरा दो चौमासे रो उत्सव। अब पूर्व अध्यक्ष दिल्ली सभा पन्नालाल जी बेद, उसके बाद में विनोद जी बच्छावत तैयार है। प्रातः स्मरणीय
श्रद्धेय आचार्य परवर के श्री चरणों में सादर वंदन। आज चाड़वास का परम सौभाग्य है, 25 साल बाद, पूरे 25 साल बाद फिर मर्यादा महोत्सव पर आज आपका यहाँ पधारना हुआ है। उस वक्त 13, 14, 15 फरवरी मर्यादा महोत्सव था 1997 में, और आज 25 साल हो गए, कल की सी बात लगती है। उस टाइम जब आप पधारे थे, मुनि थे, उसके बाद आप युवाचार्य भी आए हैं और आचार्य के रूप में भी आए थे। तीसरा आपका पधारण आज चाड़वास में हो रहा है, जहाँ तक मेरी स्मृति है। गुरुदेव, ये वेद भवन आदरणीय लूणकंडजी भाई जी के तीनों सुपुत्र, जिसमें से एक इसके निर्माण के समय में कालकल्पित हो गया, और वो ही शायद सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाला था कि एक वेद भवन बनाना है। उस टाइम वेद भवन का आज उसी के नाम पे आज नामकरण हो गया गुलाब भवन। ये भी बहुत ही, दोनों भाइयों ने उस भाई की मनोकामना पूरी की, उसकी इच्छा थी, उसको उतना अच्छा सिरे चढ़ाया, और आज ये विशाल भवन आज आपके श्री चरणों में। गुरुदेव, 25 साल पहले शायद चाड़वास की कोई पहचान भी नहीं थी। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस गांव की एक पहचान दी मर्यादा महोत्सव से। आप उस टाइम पधारे थे, आप युवाचार्य नहीं थे, लेकिन मुझे आज भी स्मृति है बाप जी, उस टाइम भी जितना आप यहाँ श्रम करते रहे हैं, सारी सारी रात जगते मैंने आपको देखा है, वो अद्भुत श्रम आपका था, लग रहा था। हमें तो उस टाइम ही थी कि शायद युवाचार्य चाड़वास में ही आपको घोषित हो जाए, लेकिन उस टाइम नहीं हो पाया, कोई कारण से जो भी रही हो, वो गंगा शहरी होना था। मैं मुनि श्री एक मिनट दो मिनट और लूँगा। गुरुदेव, आपने आचार्य श्री ने जो जो आयोजन जहाँ जहाँ फरमाए थे, सारे आपने सबको ब्याज सहित पूरे कर दिए, किसी का भी शायद कोई बाकी रहा अभी तक ऐसा याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे गांव को कैसे विस्मृत हो गया, या शायद काल भाव क्षेत्र के हिसाब से शायद हमें उस योग्य अभी तक नहीं समझा गया, 2012 का आखा तीज चाड़वास गुरुदेव ने फरमाई थी, शायद आपको स्मृति में है या शायद नहीं होगा, नहीं तो शायद ये 2012 की आखा तीज चाड़वास फरमाई थी आचार्य महाप्रज्ञ जी ने। उसके बाद हमारी भी कमी रही कि हमने भी वो आपको कभी शायद याद दिलाया भी नहीं कि आपने सब जगह जो जो फरमाए थे सबको आपने दे दिया। हमारी चाड़वास वासियों की तरफ से सबके एक आपसे विनम्र विनती है कि इसको भी जब आप काल भाव क्षेत्र जब आपको सुविधा हो, हमें जिस भी भाव से जिस तरह भी ये दो या कुछ और देना चाहो, उसके एवज में पहले हमारा एक हक बनता है कि जो चीज़ रह गई है वो तो हमें एक बार वापस लौटा हमें देनी चाहिए। आप जब जो समझो, जो भी आप आयोजन देना चाहें, हम उसके लिए तैयार हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, गुरुदेव के टाइम में 25 साल पहले एक सोच आई थी कि छोटे छोटे गांव हैं, वो आयोजन करवाना चाहते हैं, लेकिन जगह का अभाव, सुविधाओं का अभाव के कारण वो करवा नहीं पाते, तो क्यों नहीं जैन विश्व भारती में ही वो आयोजन उन गांवों के नाम से या उन गांवों के हिसाब से करवा दिया जाए, उनकी व्यवस्था उन गांवों को दे दी जाए। अगर ऐसा कभी भी भविष्य में कोई चिंतन हो तो हम चाहेंगे उसके लिए भी, अगर 25 साल पहले हमें लेकर के अगर ये कोई आयोजन का चिंतन हुआ है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। जब भी आप हमें योग्य समझें, जहाँ भी योग्य समझें, हम उसके लिए तैयार हैं। मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, आपने हमें समय दिया, आप पधारे हैं। एक बात और है, आज समय बहुत सीमित रह गया, अगर संभव हो तो कल का दिन भी अगर आप यहाँ विराजे की रखें, परसों सुबह आप विहार करें, अगर आपके कोई सुख साता रहे हम ये चाहेंगे, तो हमें एक दिन और मिल जाएगा। तो ये हमारी आपसे विनती है, अभी जैसे आपको सुविधा हो। ओम। अभी आज के दिन श्री विनोद जी बच्छावत अनुव्रत समिति वे अपनी बात को प्रस्तुति करने जा रहे हैं। पन्नालाल जी ने आखा तीज की बात कही, चतुर्मास की बात फरमाते तो याद रह जाती है, आखा तीज की बात याद नहीं रही। नहीं, बाप जी, उस टाइम ये दोनों बातें आई थी। ठीक है, ठीक है। आप हमें अगर हाँ, विनोद जी बच्छावत अनुग्रह समिति, एक बार आप लोग एक ध्यान दें, 4 बजे से पहले पहले गुरुदेव का मतलब मंगल पाठ हो जाएगा, और बाद में मौन रहेगा, बाद में मंगल पाठ नहीं हो सकेगा, इसलिए एक बार वो थोड़ी सी प्रस्तुति है।
अनवरत आस्था को श्रद्धा वंदन, युग प्रधान को अभिनंदन है। सौम्य योग के माँ सूर्य को श्रद्धा शक्ति सादर वंदन है। परम पूज्य गुरुदेव अनवरत समिति चाड़वास की ओर से आपका अभिनंदन करते हुए हम हर्षित हैं, पुलकित हैं, गौरविंद है। भगवान, बहुत ही नई और छोटी है हमारी समिति, पर आपके पुण्य प्रताप से यहाँ विद्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्र में नशा मुक्ति का कार्य बहुत लोकप्रिय हो रहा है। हमने 71 से अधिक संकल्प पत्र भरवाए हैं, वो आपके चरणों में समर्पित है। स्वच्छता अभियान भी यहाँ बहुत उपयोगी रहा, किंतु गुरुवर बहुत काम हमें अभी भविष्य में भी करना है। सभी वर्गों व समाज के पदाधिकारियों से सजी चाड़वास अनुवर समिति को आप ऐसा वर दें कि यहाँ के बच्चे बच्चे को हम अनुवर्ती बनाकर चाड़वास को आदर्श ग्राम बनाकर भारतवर्ष में उदाहरण प्रस्तुत करना। अंत में बस यही कहना चाहूँगा, विश्व शांति के उन नायक को वंदन करता संकल्प समाज, युगों युगों आप दीपो गुरुवर, अनुवर्त की यही आस। जय गुरुदेव। अब मोनिका चोरड़िया, अपने मोनिका चोरड़िया, इसके बाद में मनोज जी लूनिया तैयार हैं। 13 पंथ के सरताज आज चाड़वास गांव में पधारे हैं। मेरे मन मंदिर के देवता को मेरा प्रणाम, यहाँ उपस्थित संपूर्ण धवल सेना को मेरा वंदन। आज चाड़वास की धरा की हर कण, हर मिट्टी का कण कण अपने आप में गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि 13 पंथ के सरताज चाड़वास गांव में पधारे। गुरुवर, ज़्यादा समय ना लेते हुए इतना ही कहूँगी, जैसा गांव वालों की एक अरदास है आपके समक्ष कि आप चाड़वास गांव को कुछ दिन का प्रवास दीजिए और हम सभी को धन्य कर दीजिए, हमारी खाली गागर भर दीजिए। गुरुदेव, मैं संपूर्ण चोरड़िया परिवार की ओर से, दुग्गड़ परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय मोहनलाल जी दुग्गड़ श्रद्धानिष्ठ श्रावक थे, उनकी बहुत आस्था थी। आज अगर वो यहाँ उपस्थित होते तो ज़रूर कुछ ना कुछ बोलते और आपको उनकी झोली भरनी ही पड़ती। गुरुदेव, आप हम सभी की झोली भरिएगा। मेरे पिताजी जो आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं, उनकी भावना थी कि मैं दो शब्द बोलूँ और उनकी भी वंदना अर्ज करूँ। वो एक गंभीर बीमारी से अस्वस्थ है और यहाँ नहीं आ पाए, तो मैं उनकी ओर से वंदना अर्ज करती हूँ और आपको बारंबार विनती करती हूँ कि एक छोटा सा नहीं बड़ा सा प्रवास हमें फरमाइए, क्योंकि गुरुदेव के आगे तो हम झोली खाली लेके आ सकते हैं और हमारी खाली गागर को आप जरूर भरिएगा। संपूर्ण चाड़वास की ओर से ये अरदास है गुरुदेव, हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण कीजिएगा, हमारी खाली गागर को भर दीजिएगा। गुरुदेव, नेमा जी के लाल ने घड़ी घड़ी खम्मा। 13 समाज की कामधेनु जैनिश भारती और उसके अध्यक्ष मनोज जी लूनिया यहाँ के हैं अपने विचारों के साथ में, उसके बाद डॉक्टर कुसुम लूनिया तैयार। बनते आज चाड़वास वासियों के लिए अत्यंत प्रसन्नता एवं सौभाग्य के विषय है कि परम पूज्य आचार्य परवर युग प्रधान आचार्य के रूप में एवं श्रद्धेय महाश्रमणी जी शासन माता के रूप में प्रथम बार चाड़वास पधारे हैं। मैं अपनी ओर से तथा लूनिया परिवार की ओर से युग प्रधान आचार्य परवर का श्रद्धा सहित भाव बिना अभिनंदन करता हूँ। आज अपने आराध्य को अपनी जन्मभूमि में पाकर चाड़वासवासी पुलकित हैं। गुरुदेव, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 23 नवंबर 2016 को अपनी कर्म भूमि शिलोंग में, 17 जनवरी 2022 को वर्तमान में संघीय दायित्व भूमि जैनिश भारती लाडनू में और आज अपनी जन्मभूमि चाड़वास में आप श्री का अभिवंदन एवं अभिनंदन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आप श्री की अनुपकंपा से आज शासन माता के सयात्र का लाभ लूनिया परिवार को प्राप्त हो रहा है, मैं श्री चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। प्रभो, चाड़वास क्षेत्र छोटा जरूर है लेकिन पूज्य आचार्यों का कृपा क्षेत्र रहा है। आचार्य श्री तुलसी एवं आचार्य श्री महाप्रज्ञ का अनेक बार यहाँ पधारना हुआ है एवं पावस प्रवास हुआ है। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की कृपा दृष्टि से सन 1997 के आचार्य श्री महाप्रज्ञ के चाड़वास मर्यादा महोत्सव के पुण्य स्मृतियाँ आज भी चाड़वास वासियों के अहोभाग्य भर देती है।
गुणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने चाड़वास मर्यादा महोत्सव के बाद यहाँ पधारने पर फरमाया था, चाड़वास अब चारुवास बन गया है। यहाँ मर्यादा महोत्सव जैसा सफल मर्यादा महोत्सव के बाद यहाँ मर्यादा महोत्सव व्यापक कार्यक्रम होने से इसकी गणना शहरों की पंक्ति में होने लगी है। यहाँ के लोगों ने महोत्सव को सफल बनाने में अपनी सूझबूझ और कर्तव्य का भरपूर उपयोग किया। चाड़वास के लोग इस तरह की सुव्यवस्थाएं अपने कौशल से करेंगे यह विश्वास नहीं था। चाड़वास का मर्यादा महोत्सव बहुत सफल रहा, अब इसका मुकाबला भारी पड़ेगा। आपका आचार्य के रूप में 12 वर्षों में दूसरी बार चाड़वास पधारना हुआ। गुरुदेव, मेरा आप श्री से सविनय निवेदन है कि जब भी अनुकूलता हो चाड़वास को भी कुछ दिन प्रवास एवं कोई भी संघ आयोजन प्रदान कराने का अनुग्रह करवाएं। हम सब चाड़वासी मिलकर आपके प्रवास को एक एक पल को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करेंगे। क्षेत्र छोटा है लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता हर दृष्टि से सक्षम हैं। आचार्यों का सानिध्य एवं प्रवास मिलता है तो सभी संस्थाएं पूर्ण सक्रिय हो जाती है, कार्यकर्ता एवं संस्थाओं में ऊर्जा भर जाती है। इसीलिए आप श्री इस क्षेत्र में यहाँ कार्यकर्ता पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप श्री की जन कल्याण अहिंसा यात्रा आगे भावभीनी मंगल कामनाएं। गुरुदेव, मेरा चाड़वास वासियों और सभा की तरफ से निवेदन है कि आपने फरमाया कि अभी हम लोग दोपहर में पधारे हैं, तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि कल आपका यहाँ से विहार पहले यहाँ सुबह का मंगल पाठ और अपरवचन चाड़वास में हो और उसके बाद आप बिदासर पधारें। बिदासर में आपका यहाँ से 10 किलोमीटर का है, तो मैं पूरी सभा और की तरह निवेदन करना चाहता हूँ कि और वैसे कल का स्थान जैनेश्वर भारती का है, तो जैनेश्वर भारती की ओर से अर्ज कर रहे हैं। नहीं, चाड़वास की तरफ से, तो आप जरूर इसके पर कृपा करें और कल दोपहर के बाद, हाँ कल है वैसे जैनेश्वर भारती का है। हाँ वही तो, वो जैनेश्वर भारती की ओर से है, जैसे होती है। हालांकि मेरा जैनेश्वर भारती के परिसर में पता डॉक्टर कुसुम लुणिया, डॉक्टर कुसुम लुणिया, डॉक्टर कुसुम टाइम मत लगाओ। इसके बाद में तेरापन सभा समूह रूप में श्री संजय जी भटेरा वे संतता के शिखर विश्व शांति के मसीहा, तेरा पंथ धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता, परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरण कमलों में शत शत वंदन। संयम के महासुमेरु शक्तिधर शताब्दी पुरुष, आपको चाड़वास की पुण्य धरा पर युग प्रधान के रूप में अनंत वंदन करते हैं, असीम अभिनंदन करते हैं। अहिंसा यात्रा के महान यायावर, आप तपस्विता और तेजस्विता के मूर्त रूप हैं। जैन शासन के आत्मदृष्टा आचार्य प्रवर, आप विशिष्ट नायक और विश्व के श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं। आपकी सूक्ष्म मनीषा अंतःस्पष्टी वक्तव्य कला अनूठी है। आगम अनुसंधाता, आप भारतीय दर्शन के गंभीर व्याख्याता हैं। उच्च कोटि के साहित्यकार, महिला उत्थान के उद्गाता, आप युवा शक्ति को पथ्य प्रदाता है। आपका भारत सरकार की ओर से अनंत अभिनंदन करते हैं। अणव अणव्रत अनुशास्ता परम पूज्य गुरुदेव, आपका जीवन श्रेष्ठताओं का समवाय है। परम श्रद्धे श्रमण सहस्तांशु आचार्य प्रवर, आपको अणव्रत विश्व भारती परिवार की ओर से वर्धापित करते हैं। और समस्त चाड़वास वासियों की तरफ से और लुणिया परिवार की ओर से शुभाशंसाएं करते हैं। अमृत पुरुष की अमृत देशना बने विश्व का संबल, युग प्रधान की दिव्य ज्योति से मिले मनुष्यता को बल। जय घूसों से गूंजे धरती, जय घूसों से गूंजे धरती, मिले मनुष्यता को बल। युगों युगों तक दीपो गुरुवर, युगों युगों तक दीपो गुरुवर, संघ शिरोमणि तुम उज्जवल, सिंह शिरोमणि तुम उज्जवल, संघ शिरोमणि तुम प्रकाश जी दुगड़ है। धन्यवाद मंत्री, तेरापन सभा वे पहले अपनी बात को प्रस्तुति दे दें, फिर हाँ पहले दे दें एकदम संक्षेप में, फिर गीत की प्रस्तुति सामूहिक।
हम मुनि धन्य कुमार जी को भी सुन सकेंगे। बंते, आज चाड़वास की धरा पर आपका अभिनंदन कर हम सभी अलाहिद का अनुभव कर रहे हैं। पूज्य परवर, लंबे अंतराल के बाद गुरुदेव अपनी मेरी जन्मभूमि के चरण स्पर्श पाकर विशेष ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। आचार्यों का पदार्पण पाकर धरा पर कमल खिलते हैं। गुरु के कारण प्राप्त कर सरोज विकसित होते हैं। पुनः आपका अभिनंदन, सत सत वंदन, ओम अरम। हाँ, धन्य मुनि, एक मिनट पहले बोल देते हैं। धन्य असीम कृपा, असीम अनुग्रह कि आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आधुनिक युग के साक्षात धर्म चक्रवर्ती अपनी विजय यात्रा के साथ चाड़वास पधारे हैं। पूज्य गुरुदेव की शक्ति से हम एक दिन पहले विदासर पहुंच गए और मेरी इच्छा हुई कि मैं भी गुरुदेव के चाड़वास में एक बार दर्शन करूं। भगवान, इस धरती का मेरे ऊपर जितना उपकार है मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ बहुत अधिक रहा हुआ हूँ और मैं ज्ञानशाला में यहाँ पढ़ता था और मुझे याद है कि परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ आप पधारे और आप ज्ञानशाला को उसमें बहुत समय दिया करते थे और जब हम ज्ञानशाला के बच्चे बैठे थे तो आप पूछ रहे थे किसी से नमस्कार महामंत्र, किसी से मंगल पाठ, और संयोग ऐसा हुआ कि मैंने कुछ प्रश्न अच्छे से बता दिए तो आश्री ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम धर्मेंद्र है। तो गुरुदेव ने परम पूज्य उसमें महाश्रवण के रूप में आप थे तो आपने फरमाया कि तुम्हारे नाम से धर्म जुड़ा हुआ है, तुम्हें भी धर्म से जुड़ना चाहिए। तो भगवान, वह दिन और आज का दिन, वे शब्द मेरे अवचेतन मन में चले गए और धीरे धीरे जब भी मैं साधु संतों के सानिध्य में आता तो मुझे भगवान आपकी छवि याद आ जाती और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं सदा सदा के लिए आपके चरणों का दास बन गया। परम पूज्य गुरुदेव भगवान, 8 वर्षों बाद आप श्री के दर्शन हुए हैं और आपकी छवि मैंने सदा अपने हृदय में देखी है। मैं आप श्री से एक वरदान मांगना चाहता हूं भगवान कि आप जिस प्रकार मेरे हृदय में विराजमान हैं, आप मेरी आँखों में विराजमान क्यों नहीं होते। भगवान, मेरी आँखों में निरंतर आपकी भव्य छवि का प्रतिबिंब बनता रहे, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में सदैव मैं आपके दर्शन करता रहूं, यही मैं भगवान इस धरती पर आपसे वरदान चाहता हूं। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशिव। 53 सभा गीत की प्रस्तुति। हेलो, आज धरा में छाई पुलकन, कण कण में उल्लास, मधुर स्वरा में कोयल गावे, जानक है मधुमास, दसु दिशावा हर्षित पुलकिन, दिन है आज रो खास, भगतारा भगवान पधार्या, धवल संग रे साथ, छाई है आज खुशहाली, आई है भोर रूपाली, चाड़ीवासिया ओ चंगाणो, आर्य द्रोण री भूमि, हो चाड़ीवासिया ओ चंगाणो, आर्य द्रोण री भूमि, समय समय आचार जिरापद, फर्षण पाकर झूमी, माघ महोत्सव महाप्रज्ञरो, नव इतिहास रचायो, बरसा तक संता सतियारो, तिरवासो है पायो, ओ खेतर बड़ भागी, संगरो अनुरागी,
ओ खेतर बड़ भागी संगरो अनुरागी प्यासा चातक हामे सारा प्रभुवर प्यास बुझाओ हो प्यासा चातक हामे सारा प्रभुवर प्यास बुझाओ छापुरी रा पाड़ो सीमा पर कुछ तो मेहर कराओ पावसिया मोत्सव एकर तो माने भी बगसाओ नूवी पीढ़ी ने पछोवो नूतन दृश्य दिखाओ छाई आज खुशहाली आई है भोर रूपाली पूर्व दक्षिण री यात्रा कर अपने देश पधार हो पूर्व दक्षिण री यात्रा कर अपने देश पधारिया इंतजार री घड़िया बीती निजरा आज निहारिया तुलसी महाप्रगरी छाया गुरुवर था में पावा स्वागत री मंगल बेला में लुल लुल शीस झुकावा छाई है आज खुशहाली आई है भोर रूपाली छाई है आज खुशहाली आई है भोर रूपाली। अब जय जय ज्योति चरण। अशोक जी दुगर तैयार रहेंगे तब तक मंगल पाठ। ये मकान गुलाब है। हाँ अच्छा, क्या परिवार, कौन सा परिवार है? बेड परिवार। इस बेड परिवार के मकान में आज आना हुआ है। परिवार में खूब धार्मिक संस्कार अच्छे बने रहे, अच्छा रहे। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणम पवज्जामि। अशोक जी दुगर उपाध्यक्ष जैन श्वेतांबर तेरावन सभा चाड़वास। अशोक जी दुगर नमो वज्जायानं नमो लोये सब साहूनं। बोलिए, मैं हाँ बोली मैं भगवान महावीर को अपने आराध्य देव के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। मैं जैन श्वेतांबर तेरा पंथ को ही अपना एकमात्र धर्म स्वीकार करता हूँ। अशोक जी देव गुरु धर्म आप अशोक जी दुगर, अशोक जी दुगर बोल रहे हैं। अरे
वरम। हाँ अशोक जी दुगड़, अहिंसा यात्रा के प्रवर्तक परम पूज्य आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में कोटि से नमन। शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी, साध्वी नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी एवं समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में सह भक्ति वंदना। आज हम सबके लिए परम प्रसन्नता का विषय है कि 13वें धर्म संघ के एकादश मधिशास्त्र आचार्य श्री महाश्रमण जी अपनी धवल सेना के साथ चाड़वास ग्राम में पधारे हैं। यूं तो गुरुदेव आपका आगमन समय समय पर होता रहा है, लेकिन आज का आगमन हमारे अपने आप में एक विशिष्ट है, क्योंकि आप एक अहिंसा यात्रा के साथ आए हैं। कहा जाता है कि संत का समागम बड़ा ही दुर्लभ है, संत की संगति बड़ी दुर्लभ है, लेकिन आज हमें सहज रूप में प्रसाद स्वरूप मिला है। चाड़वास तो धर्म संघ का एक ऐतिहासिक नगर है, अपने आप में एक प्रकार से त्रिवेणी है। चाड़वास में आज तीन तरह से धारा प्रवाहित हुई है। धर्म संघ में भी एक विशिष्ट स्थान रखता है। साधु साधुओं की ये कर्म भूमि, तपोभूमि एवं निर्माण भूमि रही है, अपने आप में एक त्रिवेणी का रूप ले लेती है। गुरुदेव चाड़वास अपने आप में एक छोटा सा है, लेकिन श्रद्धा का एक विशिष्ट प्रतिरूप है। आज से चाड़वास गुरुदृष्टि की आराधना से संलग्न रहा है। गुरुदेव केवल जैन श्रोता में 13वें समाज ही नहीं अपितु संपूर्ण चाड़वास ग्राम की ओर से आप श्री का अपनी जन्मभूमि में ध्वजना सहित हार्दिक अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम अरहम। देखिए सभी एक दिन और देने का निवेदन कर रहे हैं। देखिए एक दिन और रुकने का निवेदन किया जा रहा है। निवेदन किया गया है एक दिन और रुकने का गुरुदेव से। चाड़वास के वेद भवन का दृश्य आप देख रहे हैं। स्वर्गीय गुलाबचंद जी वेद की स्मृति में विक्रम चंद जी पवन कुमार जी वेद परिवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। आज ये भवन धन्य हो गया, ये हॉल धन्य हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं आसन पर परम पूज्य आचार्य महाश्रवण जी महाराज विराजमान है। पूरा चाड़वास यहाँ उपस्थित है और पूज्य श्री के प्रवचन से सब ने लाभ उठाया, आनंद उठाया। अद्भुत कार्यक्रम था। किस तरह से आचार्य श्री जब चाड़वास में प्रवेश हुए तो पूरा चाड़वास उनके स्वागत में सम्मान में उमड़ पड़ा और गांव के बाहर से वेद भवन तक जो जुलूस निकला उसमें हजारों की संख्या में भक्त उमड़े और सबने दर्शन किए। विक्रम चंद जी भी चले रहे हैं। यह था चाड़वास से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर वेद परिवार द्वारा निर्मित श्री विक्रम चंद जी पवन जी वेद द्वारा निर्मित इस गुलाब भवन में आज से युग प्रधान आचार्य महाश्रवण जी महाराज का पावन आगमन हुआ। निश्चित रूप से दिव्य अवसर था ये, और वेद परिवार एक धार्मिक परिवार है। पितृजी महाराज का मंदिर, बालाजी का मंदिर हाल ही में आपके द्वारा निर्मित हुआ है, उसी के साथ इस गुलाब भवन का निर्माण भी हुआ।
निर्माण के दौरान दुर्भाग्य से गुलाबचंद जी वेद हमारे बीच नहीं रहे, देवलोकगमन उनका हो गया और ये भवन उनकी याद बन गया। और आज गुरुदेव के आने से निश्चित रूप से गुलाबचंद जी वेद की आत्मा बहुत ही प्रसन्न है, पूरा चाड़वास जुलूस में उमड़ पड़ा और यहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए पहुँचा। ऐसे सुलग्न में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।